नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा बिरला सॉफ्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बिरला सॉफ्ट का नाम तो लिया बट कवर करना मैं भूल ही गया। मैंने बाकी के तीन स्टॉक्स कवर कर दिए, मारुति सुजुकी ट्राइड, आपका टीटागर रेल सिस्टम एंड आपका एक कमिंस इंडिया, बट बी सॉफ्ट को शेयर करना ही भूल गया। बी सॉफ्ट के बारे में बात करें तो रिसेंटली इसमें आप सभी ने एक करेक्शन देखी है इसके क्वार्टरली नंबर्स के बाद। रिजल्ट्स नो डाउट काफ़ी ख़राब थे और उसके बाद हमने भी आपके साथ शेयर किया था, अराउंड 690 रुपीज़ पे शेयर था जब मैंने कहा था नंबर्स ख़राब हैं बट आईटी स्ट्रांग है इसलिए हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर 675 का लेवल ब्रेक करता है तो प्रॉपर एग्जिट कर देना है, फिर 620 से पहले कोई सपोर्ट लेवल नियर बाय आएगा नहीं। स्टॉक में एग्जैक्टली वही हुआ, स्टॉक ने 675 सेम डे ही ब्रेक कर दिया था एट द एंड। लगभग मैंने आपके साथ 11:30-12 बजे व्यू शेयर किया और 2:30 बजे करीब स्टॉक 670-675 के नीचे निकल चुका था। स्टॉक में उसके बाद से कंटिन्यू करेक्शन ही देखने को मिल रही है, हालांकि बाजार भी टूट गया उसके बाद तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो गया स्टॉक के गिरावट में। अभी यहां से क्या करें क्या ना करें ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स बताना चाहूंगा अगर आपके पास बी सॉफ्ट का शेयर है तो। सबसे पहले इंटरेस्टिंग पैरामीटर ये है कि स्टॉक में बीते तीन ट्रेडिंग सेशंस में जो फॉल आ रहा है उस फॉल में इस स्टॉक में वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड कर रहे हैं, दैट मींस वॉल्यूम्स के साथ फॉल है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिलीवरी परसेंटेज कम नहीं हो रही है, यानी कि लोग बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, जो ट्रेड हो रहा है, सौदा हो रहा है, उसमें लोग खरीद कर घर लेके जा रहे हैं। और कोई भी बंदा डिलीवरी ज्यादा तब लेके जाता है जब उसे कंपनी पे भरोसा होता है कि अगले दिन शेयर का प्राइस अच्छा करेगा। बीते तीन ट्रेडिंग सेशन से तो ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं आपके साथ तीन ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स की बात करूं तो सबसे पहले तो कल की बात करूंगा। कल फ्राइडे यानी कि 85.74 लाख शेयर ट्रेड हुए जिसमें से अराउंड 50.89% की डिलीवरी आई है, दैट मीन्स 43.63 लाख शेयर्स डिलीवर होते हुए दिखे। अदरवाइज एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का 38 लाख शेयर्स का है जो ट्रेड होते हैं, जिसमें से केवल और केवल 16 लाख शेयर डिलीवर होते हैं और डिलीवरी परसेंटेज होती है 41%। यानी कि बीते दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम्स भी ज्यादा आ रहे हैं, डिलीवरी भी ज्यादा आ रही है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन स्टॉक का प्राइस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 610 तक स्टॉक को आना था वो आ चुका है। अब स्टॉक में अगेन एक बड़ा सपोर्ट लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है जो आपके लिए नियर बाय 595-590 के आसपास का है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो यहां से 20 रुपए और मैक्सिमम लेवल यानी 585 तक का आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 700 रुपए से 605 रुपए का भाव देख लिया है, तो एडिशनल 20 रुपए और देख लो। अगर 585-595 के नीचे भी सस्टेन करता है तो बड़ी डिप आएगी, अदरवाइज ये स्टॉक यहीं से घूमने के चांसेस रखता है, रिबाउंड कर सकता है। अब रिबाउंड करने के पीछे 3-4 बड़े कारण बताता हूं। पहला तो टेक्निकल सपोर्ट है, दूसरा वॉल्यूम्स आ रहे हैं और डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आ रही है, तीसरी बात यह कि आईटी कंपनीज में ऑलरेडी आप एक स्कोप देख रहे हो ऊपर की तरफ का। और आईटी स्टॉक्स की बात करें तो इस स्टॉक का 27 का पीई है जो कि अपने आप में से अट्रैक्टिव बना देता है। नेगेटिव चीज जो है वो यही है कि भैया रिजल्ट्स खराब थे और रिजल्ट्स में स्पेशली प्रॉफिट टूटा था। अदरवाइज मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू ठीक ठाक ही था, कोई ज्यादा बड़ा डिप नहीं था, मार्जिन्स में 1-2% की गिरावट थी, ज्यादा डिप नहीं थी, तो मेरे को लगता है रिकवरी भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वॉस्ट नंबर हो गए हो, थोड़ा थोड़ा डिप आ गया था जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस आई थिंक मेरे को लगता है इनफ हो गया, टूटना इनफ है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 5 साल की तो 18% की है, 3 साल की 24% है और TTM बेसिस पे 83% है, जिसमें स्टॉक का प्राइस किस रफ्तार से भागा है समझिए। 5 साल में 53% से भागा है लेकिन 3 साल में केवल 16% की कैगर से रन करा है और 1 साल में तो केवल 38% की कैगर से ही ग्रो करता हुआ दिखा है। तो मेरे को लगता है कि जो प्रॉफिट और रिटर्न्स की प्रोफाइल है वो भी ऑलमोस्ट अभी थोड़ी सी मिसमैच है, वो भी मैच होगी तो ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 40.9% स्टेक है, FIIs ने काफ़ी हैविली स्टेक घटाया है, 23.48 से घटाकर 18.82% कर दिया, ये नेगेटिव है। DIIs का 18.61% से बढ़कर 20.89% हो गया, ये पॉजिटिव है। वहीं पब्लिक कैटेगरी की बात करें तो 16.96% के सामने 19.37% हो गया, तो ये भी नेगेटिव है कि पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स का घट रहा है। ओवरऑल इस स्टॉक में ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट के बारे में ना सोचते हुए मैं यही कहूंगा अगर है तो 585 डू एंड डाई लेवल समझ के होल्ड कर लो, ऊपर निकल जाता है बहुत अच्छा है,
अदरवाइज आप एग्जिट कर देना। एक्यूमुलेशन और फ्रेश एंट्री के लिए मेरे को लगता है अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम केवल और केवल कि ये सपोर्ट है इसके चलते नहीं लेंगे, स्टॉक स्ट्रांग दिखेगा तभी लेंगे, और स्ट्रांग हमें तभी दिखेगा जब कोई पुल बैक बाउंस बैक आएगा। अभी तक तो कोई पुल बैक बाउंस बैक आया नहीं है, वन साइडेड टूटा है। बढ़ने में स्टॉक ने लगभग 4 महीने लगाए और गिरने में केवल 3 दिन लगाए हैं। अगर आप चार्ट को नोटिस करें तो लगभग अप्रैल में स्टॉक का भाव 595 हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने जुलाई में हाई लगाया, यानी अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट 4 महीने, और गिरावट में 3 दिन में स्टॉक वापस से 595 के पास पहुंचने के लिए तैयार है। तो सेलिंग काफी तेज हो रही है, मेरे को लगता है थोड़ा वेट कर लेना एक बेटर ऑप्शन होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए बीसॉफ्ट के ऊपर वीडियो है, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।